हमारे पास एक और बहुत एक दिलचस्प सेगमेंट है जिसका हम यहाँ आगाज कर रहे हैं। अब उधर से रूल रूल हाँ वो वहीं से हम करेंगे। रूल ऑफ द गेम इज दिस के इसमें से जो नाम निकलेगा उसके बारे में, उस शख्सियत के बारे में, आपने एक पॉजिटिव बात जो आपको अच्छी लगती है उनके बारे में और एक बुरी बात जो आपको बुरी लगती है उनकी, दोनों बतानी है। और इसमें किसी को देर आर नो एक्सेप्शन ऑन दिस, रियायत नहीं है बिल्कुल ना। बहुत स्ट्रिक्ट इस दफा एग्जामिनर है। तो स्टार्टिंग विद द लेडीज, आई थिंक समर साहिबा, सो मरियम नवाज, एक अच्छी और एक आपको जो ना पसंद है, दो क्वालिटीज बतानी। अच्छा, उनकी जो अच्छी बात है, शी इज़ वेरी टेनेशियस, मतलब वो अपने चाहे लोग जो भी कहें उनको जितना पुल डाउन करें, वो बड़े अपने सिंगल हैंडेडली फोकस के साथ अपना काम करती रहती हैं। क्रिटिकल क्वालिटी। और आई थिंक जो उनमें थोड़ी सी बात जो मुझे पसंद नहीं है वो बदल सकती हैं कि वो हर चीज़ में अपने वालिद मोहतरम को बहुत ज़्यादा बार बार मेंशन करती हैं। तो आई थिंक एवरीबडी नोज वो उनकी बेटी हैं, वो उनके पार्टी के लीडर हैं, उनको एक चीज़ को बियॉन्ड द पॉइंट बहुत ज़्यादा इतना हर चीज़ में उनको आगे पुश करना नहीं चाहिए, उनको अपने आप को और अपनी थॉट्स को अब आगे लाना चाहिए। राइट, वेरी फेयर, बहुत अच्छा। सहर साहिबा आपकी तरफ भी, लेकिन समर साहिबा आपने वैसे बताया नहीं, मेरे क्वेश्चनेयर में था, बहरहाल मैंने कहा ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, आप अगर किसी सेलेब से मिलना चाहें, डिनर पर जाना चाहें उनके साथ, हु वुड इट बी? द वन एंड ओनली शाहरुख खान। और सारी उन वो कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, वो इतना इंटेलिजेंट क्यों है, इतने वेल स्पोकन क्यों, ये सारी बातें उनसे। ओके, सर साहब जी सेम तो नहीं उठा रही है? नहीं नहीं, वो आई थिंक डिस्कार्ड हो गया। इसमें होगा ये मर्सिडीज आपकी हुई। इतना सोचना पड़ रहा है किसी नाम के बारे में। फारूक सत्तार। I knew you should pick that. मैं पर्ची बदल आपको पॉजिटिव नहीं मिल रही, आपको नेगेटिव नहीं मिल रही, आपको फारूक भाई बहुत अच्छे लगते हैं। कब से भी तुम कयामत शरीर हो। I think I'm done. अच्छा, he's a good orator. He speaks well. Positive one. Or, critical. Critical ये कि he's an amgyan. That is critical. that is negative. वो नाराज ना हो जाए सर साहब, अभी उन्होंने वोट दिया है आपके। मैं उधर पास ऑन कर दूँ? नहीं। अच्छा। दो निकले हैं। वाह, ये एक ऐसा नाम आया है जो कि शायद हर कोई चाहता था कि उनके पास आए। अच्छा, शेर अफजल मरवत। पॉजिटिव पॉजिटिव ये है कि ही इज लाइक पुलिंग द मासेस, दैट्स अ पॉजिटिविटी इन हिम। मासेस को पुल कर रहे हैं वो, ठीक है, मासेस आर लाइक फॉर हिम। नेगेटिविटी ये है कि थोड़ी लॉजिक पैदा करें अपनी गुफ्तगू में। वेल रिस्पोंडेड, अनलाइक योर पास्ट परफॉर्मेंस। अब हम थोड़ा इसमें डॉज कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ गूगली। तो दानियाल साहब, यू थॉट यू आर नेक्स्ट बट यू आर नॉट, इट्स झगड़ा साहब एंड देन यू। बिल्कुल हां, सो वो अनप्रिपेयर्ड बैठे हुए, उनको लग रहा है उनकी बात गया। आसिफ अली जरदारी, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। पॉजिटिव शायद ये है कि वो क्या कहते हैं, पीपीपी की सियासत को उन्होंने कंटिन्यूटी दी है। और नेगेटिव शायद ये है कि पीपीपी की सियासत को उन्होंने तबाह कर दिया। ये क्या बात हुई? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये बहुत डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट स्ट्राइक था, वही वीकनेस। ही इज अ व्हीलर डीलर, लेकिन व्हीलिंग डीलिंग की जो है वो एक डाउनसाइड भी होती है। उनके बारे में मशहूर ही है कि वो हर सिचुएशन में क्या कर देते हैं, दैट ही विल सर्वाइव एवरी सिचुएशन, कर देते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट होती है, कॉस्ट नेगेटिव है, कॉस्ट उसकी। बड़े वेरी स्मार्ट भाई, आप तो लगता है प्रिपेयर करके बैठे थे। दानियाल साहब, योर टर्न, डू द ऑनर्स। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब का जी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इज़ ए डूअर, वो अपनी सेहत के मसाइल के बावजूद ही इज़ डिलीवर्ड इन पंजाब, और उन्होंने कभी किसी को फील नहीं होने दिया, एंड ही इज़ डिलीवर्ड अगेन एंड अगेन। और जो अगर नेगेटिव साइड का है तो वो उनकी जो स्पीड है उसको काफ़ी सियासतदान मैच नहीं कर सकते, तो फिर उनकी बैड बुक्स में आ जाते हैं काफ़ी जल्दी।
देखे कितनी उन्होंने स्पोर्टिंगली पर्ची उठाई है, उसमें इमल वली भी निकल सकते थे, इमरान खान. पॉजिटिव उनकी ये बात है कि आई थिंक एट द एज ऑफ 71-72 ही स्टिल मैनेज्ड टू कन्विंस पीपल दैट ही इज अ यूथ आइकॉन, व्हिच इज यू नो मतलब क्वाइट अ पॉजिटिव थिंग इफ यू थिंक अबाउट इट. एंड हिज नेगेटिव थिंग इज दैट ही हैज उन्होंने हमारे जो सियासी कल्चर है उसको बहुत मडी कर दिया है. सर साहब थोड़ी सी पर्चियां बची हैं और छोटी सी पर्ची में पता नहीं कौन सी पर्ची निकल गई है. मुझे नहीं देती है आपको भी वो तमहीद बांधती है वो तो उसमें आप उनको एज दे देती है. मैं बांधू तो मुझे आप फौरन नॉक डाउन कर लो. एक तरफ वो पॉपुलैरिटी है जो उनकी अपनी फॉलोइंग में है, उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी पॉजिटिविटी है. अच्छा उसकी एक्सप्लॉयटेशन उनकी नेगेटिविटी है. तैमूर साहब आपने पूरे गेम को खराब कर दिया. आपकी बारी. हाँ जी बिलावल भुट्टो. ये देखा हम बदल रहे थे ना पर्चियाँ, इसीलिए आपको किस्मत ने सही फंसाया है. I personally, the plus point is ke, he knows politics and he knows what he's doing. Minus point ye hai ke, mere khayal mein unko thoda sa na mazeed jo hai focus karna padega cheezon pe. Okay. Ground realities jo hai na unko zara dur hai usse aap kehte hain. Ground realities. Dur nahi hai. Lekin ground realities nahi. I'll be very honest. I'm trying to be very very honest with you. ग्राउंड रियलिटी से दूर नहीं है. ग्राउंड रियलिटी पे एक्चुअली क्या हो रहा है, जो रियल पिक्चर है वो मेरे ख्याल में वो प्रॉपरली उन तक नहीं पहुंच रही. फॉर वन रीजन और दी अदर. रीजन नहीं बता रहे. नहीं वो नहीं तो क्रिटिकल नहीं हुआ वैसे राणा साहब में. हाँ नहीं ग्राउंड रियलिटी उनको नहीं पहुंच रही, उसमें उनकी क्या क्रिटिकल बात है, वो तो उनके बारे में तो कोई नेगेटिव नहीं. ही इज अ लीडर, ही शुड नो व्हाट इज कनेक्टेड एंड ही इज वेरी इनफॉर्मड. नहीं नहीं एक इसमें कोई शक नहीं है. he's connected, he knows what he's doing. वो जो यहाँ पे यंग लॉट है पाकिस्तान के अंदर उसको टैप भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन डिस्कनेक्टेड है. नहीं डिस्कनेक्टेड नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड. हाँ यू नो जो उनके होता है हर लीडर के होता है, उनके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जो उनको रियलिटी चेक से तो उसमें उनकी क्या कमी है. लीडर जो होता है अक्रॉस द वॉल भी देख सकता है ना क्या. अच्छा आप कहते हैं उनका जो नजरिया है वो महदूद है सिर्फ उन लोगों तक जो उनके इतराफ है, उनको उसके आगे देखना चाहिए, ये कह रहे हैं. मतलब कि मेरे ख्याल में वो जो इर्द गिर्द का सर्कल है उसको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहिए ताकि वो मजीद चीजें क्लैरिटी के साथ देख लेंगे. ऑलराइट ऑलराइट दाने आसफा. वैसे आसफा में बहुत क्लैरिटी है. आसफा में बहुत ज्यादा क्लैरिटी है. देखते हैं कि आसफा साहिबा का कोई नाम है किसी पर्ची पे या वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव. नेगेटिव अच्छा पॉजिटिव बता नेगेटिव पॉजिटिव ये कि दैट शदीद तरीन फिर से पहले नेगेटिव है. हां नहीं पॉजिटिव ये शी इज फोकस्ड और बड़ी शी स्पीक्स फॉर वुमेन. मैंने उनको देखा है कि बड़ी वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं और मुझे लगता है सोसाइटी में उसकी बहुत ज़रूरत है कि ख़वातीन की जो हकूक है वो कोई उजागर वो हकूक उस तरह के नहीं कि जो बहुत शायद देहातों के, लेकिन एक जनरली वर्क एथिक्स के हवाले से भी शी इज़ वेरी वोकल. और आई थिंक जो उनकी बैड पॉइंट है कि वो जज्बाती बहुत है, वो इमोशनल बहुत ज़्यादा है. शी इज़ फुल ऑफ इमोशन. तो सियासतदान में थोड़े से इमोशंस को पीछे रखना पड़ता है. नेगेटिविटी पे पहले आ रहे थे वैसे. वेरी वेल डन ऑन दिस. ले शुक्र है कि आपकी धांधली की कोशिशें कुछ नाकाम हुई है. झगड़ा साहब आखिरी पर्ची है और पता नहीं उसमें क्या है लेकिन वो आपकी है. अच्छा आखिरी दो है. ओके चॉइस है वरना ये कि वो आप चीटिंग कर सकते हैं. कोई ऐसी दूसरी नहीं 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 ये बहुत जबरदस्त है. मैंने उठा लिया. क्या क्या है दूसरी थी. दो साशिक बात. वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव. पॉजिटिव मेरे ख्याल में एक चीज ये होगी. गुड हॉकी प्लेयर. नहीं 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 आई थिंक
आई थिंक पॉजिटिव चीज ये है कि शी हैज थिक स्किन, मतलब कि क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करती है, और आई थिंक पॉलिटिक्स में वैसे ही करना चाहिए, बहुत से बड़े सियासतदान नहीं करते, और ख्वातीन के लिए शायद और भी ज्यादा मुश्किल होगा. और नेगेटिव ये है कि आई डोंट एग्री विद हर ब्रांड ऑफ सियासत. ये क्या बात हो, ये तो आपकी अपनी जाती राय है ना, आप उनकी नेगेटिविटी उनके बारे में बताएं. ये आप पॉजिटिव और नेगेटिव सारी मेरी जाती राय है. नहीं नहीं, नेगेटिव आप उनसे अग्री नहीं करते, वो तो आप किसी भी अपने इख्तलाफ रखने वाले. आई डोंट अप्रूव ऑफ हर ब्रांड ऑफ सियासत. व्हाट इज हर ब्रांड ऑफ सियासत? ख्याल में आप एक किश्ती से दूसरी किश्ती पे जाएं. अच्छा, इस तरह से टर्न कोट्स और आप उसके बाद. नहीं, वो देखें, मेरे ख्याल में आजकल के जनरेशन में ये चलता नहीं है, और जो जितना भी करता है वो जो है उसको वो फेस करना पड़ता है. वी हैव टू रिमेंबर. यानी बस आपने आपने कहा कि शी इज थिक स्किन्ड, ये अच्छी बात है, वो अपने ऊपर क्रिटिसिज्म को अपने ज्यादा सर पे हावी नहीं होने देती, लेकिन नेगेटिव बात ये है कि वो बहुत जल्दी सियासी अपनी वाबस्तगी बदल लेती. देखिए, आपने बात की ना कि इमरान खान क्यों यूथ से कनेक्टेड है. इमरान खान वाहिद सियासतदान है जो यूथ को एक्चुअली एक मैसेज दे रहे जो आसान होना नहीं चाहिए. ही इज 71 ईयर्स ओल्ड, but he connects with the hopes that the youth of Pakistan have for the future.